पोपट बैग से पोपट बोलती हूँ, पॉपेट बैग पता नहीं क्या बोलते हैं हमारे आते हैं तभी गड़ कुछ 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 आवाज़ आती रहती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो, वेलकम बैक टू माय अनदर हॉल वीडियो। यस गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ एक और मस्त सा हॉल वीडियो, बट ये हॉल कपड़ों से रिलेटेड नहीं है। नो क्लोथिंग हॉल गाइस, क्योंकि क्लोथिंग हॉल को आप ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, क्योंकि आपको शायद मेरा क्लोथिंग हॉल अच्छा नहीं लग रहा। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि नहीं अच्छा लग रहा तो क्या मैं चेंज करूँ। और गाइस, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मैं रहती हूँ सूरत में, और सूरत में अभी है 46 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो बारिश भी नहीं हो रही है। तो चलो, मैं लेकर आई हूँ क्यूट क्यूट सा बैग। बैग बहुत ही डिफरेंट है गाइस। और लास्ट मेरा, अगर आपने हॉल वीडियो देखा होगा बैग का, उसके रिस्पांस बहुत अच्छे थे, बहुत लोगों ने उसे व्यू भी किया था और अच्छे रिस्पांस थे इंस्टा। तो मैंने सजेस्ट क्यों ना पार्ट टू बनाया जाए बैग का। तो मैं लेकर आ गई बहुत ही क्यूट प्यारे प्यारे बैग्स, तो मैं वन बाय वन दिखाती हूँ। आप अगर खुद नहीं यूज़ करो तो अपने डॉटर के लिए ले सकते हो, और थोड़ी फैंसी भी है। लाइक थोड़ा हटकर मैंने बैग ऑर्डर किया है, रेगुलर यूज़ से हटकर। और मेरे पास बैग बहुत सारे हैं, बट मैंने सोचा एक और हॉल वीडियो बनाना बनता है। अगर मेरा ये वीडियो, लास्ट वीडियो जो बैग का हॉल वीडियो था, उससे ज़्यादा अच्छा हुआ तो सारे बैग आप लोगों को गिफ्ट कर दूंगी गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बैग नंबर वन से। गाइस, ये हमारे बहुत टाइम से बोलिए खोल दो मम्मा, खोल दो मम्मा, खोल दो, बट मैंने नहीं खोला। तो ये बैग नंबर वन है, काफ़ी प्यारा क्यूट सा बैग है, कोरियन बैग जिसको आप बोल सकते हो। यस गाइस, सॉरी बहुत लेट लग रहा है। यस गाइस, ये ऐसा क्यूट सा बैग है, बहुत ही प्यारा पिंक कलर है, फ्लोरेसेंट पिंक इसको बोल सकते हो आप, फ्लोरेसेंट पिंक ही है। और इसकी ओपनिंग ऐसी है कुछ, और ये खुला, और ये रहा, टॉय बैग लग रहा है, बहुत क्यूट है। मतलब समझ रहे हो, बस मेरे हाथ पाम्स में भी आधा आ रहा, आप देख सकते हो। क्या इसमें क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बस ये छोटा सा, जैसे अभी जानवी कपूर ने यूज़ किया था बॉल वाले, सिर्फ स्टाइल के लिए, तो ये भी सिर्फ स्टाइल के लिए है। ये बैग देखो, पर्ल की डिटेलिंग है, और पर्ल अच्छी है, मतलब ज़्यादा यूज़ करोगे तो निकल जाएगी। बस टॉय बैग है, खिलौने के लिए। हमारे ने बोला मुझे ये चाहिए, मेरे लिए रख देना, इससे गलती से भी एक्सचेंज या रिटर्न नहीं करना। बहुत क्यूट है, सीरियसली बहुत क्यूट है बैग गाइस, वाटर प्रूफ बैग कह सकते हो उसको। इसमें एक्स्ट्रा जिप और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चेन नहीं दे रखा है, बट सुपर क्यूट है, मस्त, आई लव इट। चलो गाइस, सॉरी, इसमें ना एक्स्ट्रा चेन दे रखा है, गोल्डन चेन, ये देखो, ये रहा गाइस, एक्स्ट्रा चेन दे रखा है, जो कि आप इसमें अटैच करके, ये ना करके हैंग भी कर सकते हो। तो वो मैं करके साइड में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो दे रखा है, चल, मुझे लगा नहीं दिया था, बट था, पैकेट में था। ओके, तो चलते नेक्स्ट वीडियो बैग के साथ। ये भी मैं अमायरा के ही चॉइस का मंगवाया है, ये इसको पता कौन सा बैग बोलते हैं, इसके पास बहुत सारे कलेक्शन हैं, बट मुझे ये बहुत प्यारा लगा, काफ़ी क्यूट है। पोपट बोलती हूँ, पॉपेट बैग पता नहीं क्या बोलते हैं, अमायरा होती तो भी बता देती, बट बहुत क्यूट है, उसके पास बहुत सारे हैं। इसमें भी ऐसे लॉन्ग स्लिंग दे रखा है, ये देखो, आप इसे हैंग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ, मतलब क्यूट सा है, काफ़ी बच्चों के लिए ही है, आप मंगवा सकते हो। मैंने सोचा एक बार मैं भी मंगवा के देखूँ, बट हम लोग यूज़ कार्टमेंट है, बस एक ही है, ये देखो, बट बहुत प्यारा। और मुझे ये करने में ना बहुत मज़ा आती है, टिक 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 टिक, देख रहे हो आप। हमारे बोलती इससे ना मम्मा, थोड़ा अगर आपको गुस्सा आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तो आप ये करो, आपका गुस्सा और टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो क्यूट से बैग है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बताना। चलो चलते हैं नेक्स्ट बैग के साइड, क्योंकि बहुत गर्मी है और मेरे पसीने, आप देख रहे हो, हॉल में मैंने एसी नहीं लगवाई है गाइस। नेक्स्ट बैग के तरफ चलते हैं। ये बैग मुझे पिक्चर में बहुत अच्छा लगा था, मतलब बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा, बट मैंने सोचा एक बार देखते हैं कि क्वालिटी वैसी है। पैकिंग बहुत अच्छी कर रखी है, ओके, टच फील बहुत अच्छा, ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली बहुत प्यारा बैग है, रियल में आई थॉट कि बस पिक्चर में अच्छा लग रहा है, नहीं, रियली नाइस, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप ऐसा पोस्ट करके छोटा ऐसा पोटली जैसा बना सकते हो, और राइट,
और पूरा खोलना है तो पूरा खोल सकते हो, बस इसको इस बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और डन। ओके, और साथ में स्लिंग भी दे रखा है। ये भी बहुत मस्त क्वालिटी की है गाइस, देखो सी, आई लव इट। इसको यहाँ पे अटैच करो और डन, आई लव इट। मतलब अटैच करने के लिए देखो, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कुछ ऐसा है, ऐसा डालो और अंदर से मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी साइड में। मस्त है, आई लव इट गाइज। फिनिशिंग बहुत अच्छी है, फिनिशिंग टॉप क्लास है, आप इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। एक कंपार्टमेंट बिग है, इवन छोटी कंपार्टमेंट भी दे रखी है। बहुत कम ऐसे फैंसी बैगों में होता है कि दो दो कंपार्टमेंट है, बट इसमें दो दो है, एक छोटा और बड़ा। अंदर की भी फिनिशिंग अच्छी है, आप देखो। ब्रिड बैग है, साइड में मैंने वीडियो जो लगाया पहन के, मैंने पिंक ड्रेस के साथ, मतलब यही सेम ड्रेस के साथ इस बैग को कैरी किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त फिनिशिंग है, कहीं से भी एक भी स्टोन पेस्ट है वो निकला नहीं है। इवन ये जो लगा हुआ है एसेसरीज वो भी ख़राब नहीं है, अच्छा है। पर्ल भी अच्छा है, इवन चेन बहुत अच्छा है गाइस, सीरियसली बहुत अच्छा चेन है। मस्त मस्ट हैव बैग है, सीरियसली बैग देखो कितना खूबसूरत है। मैं ट्विंकल को बोली, देखो छोटा सा पोटली बना है ना, लग रहा है ना अच्छा, देखा है। अब एक बैग दिखाती हूँ जो कि मैंने लिटरली, मुझे लगा था खोल कर कि शायद इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी पिक्चर में, मैंने मंगवा तो लिया। और ये 600 प्लस की बैग है गाइस, सॉरी ये 600 प्लस की बैग है, बट मैं एक बार खोल कर दिख गाइज। मैं इस बैग के बारे में बात कर रही हूँ जो कि मैंने इसकी पैकेट खोल ली है, और देखो कितनी, मतलब इसका सर्कल आप देख रहे हो प्रॉपर है। पर्ल थोड़ी बहुत इसकी कलर निकले हुए हैं, बट मतलब लुक और फिनिशिंग बहुत अच्छा आ रहा है। प्राइस भी अच्छी खासी है, ऑलमोस्ट 600 प्लस की है, 650 के अराउंड की है, बट पैसा वसूल बैग है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे मैं कभी एक्सपेरिमेंट करती नहीं हूँ। अंदर भी एक और गोल्डन हैंगिंग दे रखा है, स्लिंग, लॉन्ग स्लिंग दे रखा है, प्लस अंदर भी काफ़ी स्पेस है। फ़ोन आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपका मेकअप का सामान आ जाएगा, और क्या चाहिए, पैसे आ जाएंगे। एक ही कंपार्टमेंट में, एक से ज़्यादा नहीं है। और अंदर जो है ये मैग्नेट वाला, आप आवाज़ सुन रहे हो, ऐसा कुछ दे रखा है, बट फिनिशिंग बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लेना। मस्ट हैव बैग है गाइज, आप ले सकते। सीरियसली बैग का हॉल बनाते लास्ट टाइम भी मेरे से ऐसा हुआ था कि जितना बैग का हॉल बनाए थे सारे बैग मुझे अच्छे लग रहे थे, एक्सपेक्टेशन और हार हो जाता तो चलो नया बैग खोलते। ये टोट बैग मंगवाया मैंने, जो कि H&M और अच्छे अच्छे ब्रांड में काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं कि मुझे चाहिए था, किसी ने बोला भी था कि बर्थडे पे गिफ्ट मिलेगा उनका बैग का ही वो है, बट उन्होंने दिया नहीं अभी तक, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही मंगवा लेती हूँ। चलो ये टोट बैग है गाइस, काफ़ी इन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन है। H&M में मैंने ये बैग देखा था, H&M में ऑलमोस्ट 3000 प्लस था, बट मीसो में 450 का है। कैन यू बिलीव दिस, देखो फिनिशिंग थोड़ी बहुत ये निकली हुई है, इतना प्रोडक्शन बनाएगा तो थोड़ा बहुत निकलेगा ही, और अच्छा है नीचे, लाइक आप इजीली रख सकते हो, और फिनिशिंग भी मुझे अच्छी दिख रही है। जिप है, एक बिग कंपार्टमेंट तो है ही, छोटा कंपार्टमेंट भी है जिसमें आप कॉइन्स और कार्ड और सैनिटरी नैपकिन और कुछ एक्स्ट्रा पर्सनल सामान रख सकते हो, वो देखो। और अंदर की भी फिनिशिंग अच्छी है, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है ये बैग, जब से H&M ने लॉन्च किया उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, बट ये बैग बहुत अच्छा है। मुझे टोट बैग काफ़ी टाइम से चाहिए था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार यहीं से मंगवा के देखा जाए। तो मेरे साइड से बिग यस गाइस, आई लव इट, बहुत अच्छी बैग है। इवन मुझे ये प्रिंट जो है ना चेक्स वाली, ये किसी भी ड्रेस के साथ चली जाती है और वेस्टर्न इंडियन सबके साथ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। जो और नेक्स्ट बैग है वो ये है गाइस, ये भी मेरा फेवरेट है, बहुत प्यारा है, फिनिशिंग चुंबेश्वरी है, बहुत अच्छा है गाइस। इसमें ऐसे प्लास्टिक लगा हुआ और नॉर्मल से बात है पेपर और ये पॉली बैग ही इसके अंदर डालता है, तो वेस्टेज वो डाल के रखा है। इसकी फिनिशिंग और कट बहुत अच्छी लग रही है, साइड बैग है ये, मुझे बहुत पसंद है ऐसे बैग। तो एक बिग कंपार्टमेंट है और एक छोटू सा अंदर है, ये देखो अच्छा है ये भी।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो अच्छा लगा ये बैग। फिनिशिंग इसकी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और ब्लैक कलर है, कलर बहुत सारे ऑप्शन है, ब्लैक कलर सेफ कलर होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लैक कलर ही मंगवाया जाए। और इसकी जो गोल्ड की क्वालिटी है वो भी अच्छी लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ निकल जाएगा, ऐसा कुछ ऑक्साइड निकलता तो है ही गाइस, किसी चीज़ की गारंटी होती नहीं, इंसानों की नहीं होती तो बैग की कहाँ से होगी, तो निकल सकता है, बट मेरे को अच्छा लगा। सेप बहुत अच्छी है, सेप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इवन जो इस पर टेक्सचर बना हुआ वो भी बहुत अच्छा है, तो मतलब मुझे एक भी बैग अभी तक रिजेक्ट करने लायक नहीं लग रहा है, सारा अच्छा लग रहा है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको वहाँ से लेना है ले सकते हो। इवन लास्ट वीडियो में जो अगर नहीं देखा उसके भी कलेक्शन अच्छे थे, तो देखते हैं नया बैग। ओके ओके, ये पैकेट मैंने खोला था जब आया था, तो इसमें एक ही ब्रांड से मैंने दो बैग मंगवा लिए हैं, और दोनों ही बैग मुझे अच्छा लग रहा है। दोनों की जो ऊपर की फैब्रिक है, फैब्रिक बोल रही हूँ, जो स्टफ़ है वो डिफरेंट है। तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, ये भी काफ़ी इन है, जैसे लाइक कोरियन बैग होता है, एक्स्ट्रा बो वाले, बो के पैसे ज़्यादा ले लिए उन्होंने, ऐसा करके आप हैंग कर सकते हो। ये कैसे मैं कर रही हूँ भाई। ओके, ये स्टाइल के लिए, या फिर आप ऐसे ही कैरी कर सकते हो, कैसे मैंने कैरी किया वो देख लो आप। मतलब हालांकि ड्रेस के साथ भी अच्छा लग रही है, लेवेंडर कलर, इवन आप ब्लैक पहने हो या ब्राउन पहने हो तो भी अच्छा लगेगा, ग्रीन के साथ भी लेवेंडर जाता है, तो ऐसे कैरी करो और अंदर जो भी फिल करना कर लो, काफ़ी स्पेस है, हैंडल भी अच्छी है, क्वालिटी अच्छा है। इसके ऊपर जो फैब्रिक यूज़ कर रहा है ना वो भी बहुत अच्छा है, ये देखो थोड़ा रेनबो जैसा है ऊपर, ग्लिटर जैसा। ओके, एक ही कंपार्टमेंट है गाइस, दो नहीं है, एक ही कंपार्टमेंट है, ये देखो अच्छा है, मस्त, आई लाइक इट, आई लव इट, और रेंज भी काफ़ी अच्छा है। और ऐसे ही मैंने एक और बैग ऑर्डर किया है, वो है मरून कलर की, वो ये गाइस, ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक्स्ट्रा बो जैसा होता है ना वो है, आप यहाँ पे लगा लो साइड में, हू मस्त, आई लव इट, मतलब ऐसा लग रहा है कि बैग में कुछ एसेसरीज। ये बैग भी बहुत खूबसूरत है गाइस, आप किसी भी ड्रेस के साथ जाएगा ये, जैसे पिंक और मरून भी जा रहा है, बहुत अच्छा, वेस्टर्न इंडियन दोनों के साथ जा सकते हैं, इंडियन के साथ नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत मैं ना बोलूँगी, बट वेस्टर्न के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। आई थिंक एक्स्ट्रा बिग जायंट बो है, उसके ही पैसे लिए हैं, रेंज थोड़ा अप है इसका, बट बैग बहुत अच्छा है। इसमें लेदर वाली जो होती है ना फैब्रिक वो यूज़ करी है, मतलब लेदर यूज़ करा गया है, असली वाला नहीं नकली वाला। फिनिशिंग इसकी भी अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी, देखो ये पीछे से पैक अच्छे से, फ्रंट ऐसा है, वो में जो फिनिशिंग है, डिटेलिंग है, एक्सेसरीज जो यूज़ कर रखा है वो है, प्लस देखते हैं इनसाइड क्या है। ओके, ये देखो इसमें भी और उसमें दोनों में सेम फैब्रिक अंदर यूज़ किया गया, और एक ही कंपार्टमेंट है, एक से ज़्यादा नहीं है। बैग देखते हैं गाइस, बहुत सारे बैग देख लिए ना, ये भी मैंने नहीं खोला है, मैंने एक बहुत प्यारे प्यारे पोल बैग मंगवाए, ओ मम्मी कितना अच्छा है, ओ माय गॉड, सी बहुत ही प्यारा है, बहुत मस्त फिनिशिंग है, देखो देखो अंदर बाहर, एक फ़ोन मतलब आईफोन या नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन इजीली आ सकता है, और थोड़ी बहुत चीज़ भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, काफ़ी स्पेस है गाइस, काफ़ी स्पेस है, मतलब आ सकता है, जो मेरे वो छोटू बैग है ना वो इसके अंदर फिट हो जाएंगे। और ये भी बटन जो है मैग्नेट वाला वो भी अच्छा है, उसकी भी फिनिशिंग अच्छी है, इन शॉर्ट बहुत पसीने आ रहा है मुझे। और ये रहा बैग, प्लीज़ ज़रूर लो इस बैग को, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, मस्ट हैव बैग है गाइस, ले सकते हो आप, आई लव इट, आई लव इट, सीरियसली बहुत अच्छी बैग है, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो गाइस। वेस्टर्न इंडियन दोनों के साथ जाने वाला ये बैग, ठीक है, तो नेक्स्ट बैग दिखाती हूँ जो कि मैंने यूज़ करा उस बैग को, और वो बैग भी बहुत, के बाद मैं वापस आ गई क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो मैंने सुखा लिया अपने सारे पसीने। और जब मैं एक वेस्ट बैग की बात कर रही थी कि कैसे लेना है, मैंने दो तीन तरीके से यूज़ किया, तो आप भी वैसे कर लेना। और अमायरा को ये बैग चाहिए चाहिए, तो मैं इसे नहीं रिटर्न कर रही, उसका फेवरेट है, और वो क्यूट सा भी बैग उसका फेवरेट है,
तो दोनों बैग्स को चाहिए और ये बैग तो लेना ही लेना गाइस, इसमें दो कंपार्टमेंट है और मैंने बहुत रफ यूज़ किया है फिर भी बैग ख़राब नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 200 के अंदर ही है। अच्छा जी, है हाँ, तो इस पूरा चाहिए चाहिए। तो अब दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट के बारे में बात कर रही हूँ गाइस, ये बैग भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, ऐसे ओपन होता है और इसमें दो कंपार्टमेंट हैं, एक दिस एंड एक दिस। इसमें पैसे भी हैं मेरे रखे हुए क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इवन रफ यूज़ कर रही हूँ फिर भी इसकी क्वालिटी और कहीं से भी कुछ भी नहीं निकला है। नीचे का बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मेरे साइड से यस आप ले सकते हो उसे। हमारे अपने बैग लेके घूम रही है और दो कंपार्टमेंट है, एक बीच में है और एक ये बिग कंपार्टमेंट, तो अच्छा है मेरे साइड से। ये भी 2000 परसेंट रिकमेंडेशन है, आप ले सकते हो क्योंकि मैं ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, तो जब बैग की हॉल वीडियो बनाऊँगी तो उसमें ये ऐड कर दूँगी और लिंक भी मैं आपको भेज दूँगी। गाइस अभी जो बैग मैं दिखाने वाली हूँ मैंने नहीं देखा, सीरियसली मैंने खोला, इसमें दो बैग था, एक देख लिया, वो बैग मे भी सबसे अच्छा हो या फिर नहीं हो। ये क्या नहीं तो लंबा सा था, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इसके पॉकेट देखो हार्ट शेप के, इतना क्यूट बैग है ये। ओके ओके नहीं गाइस है, देखो ये कुछ ऐसे बकेट बैग है गाइस, पर्ल वाइट पर्ल और गोल्ड का, सुपर्ब है आप देख सकते हो, बहुत मस्त है। अब बोल नहीं चाहिए, अगर इसमें से कुछ गिर गया तो गिरेगा ही नहीं, नीचे बेस भी अच्छा है, देख ये देख छोटे छोटे पर्ल है, अच्छा है तो वो मस्त क्लासी पर्ल बैग, इसको डोलची कह सकते हो, डोलची बैग मस्त है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई लव इट। तो ये था मेरा फुल बैग का वीडियो, तो कैसे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे रैंक वन किसको दें, तो देगी क्या, देख लिया तूने ऑल ओवर सारे बैग, ये बैग क्यूट है वैसे गाइस, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है ये बैग, ओह गॉड बहुत सारे बैग हैं, मैं किसको रैंक क्या दूं, रियली आई हो तोड़ दोगी मम्मा ये, तो अगर किसी को मारना भी नहीं बैग लेके जो ऐसे मारना फटाक लगेगी फटाक, और उसका सर तो गया, बहुत मस्त आ गया गाइस। ये मुझे लग रहा है ये देख पर्ल के कलेक्शन हो गया, ये भी दे पिंक वाला, ये भी साइनी साइनी, ये मेरे ब्लैक वाला, ये भी है गाइस, ये भी है गाइस, लॉट्स ऑफ बैग बैग्स एंड बैग्स, एक और बैग है पर्ल्स वाला, पर्ल वाला का है, अगर एक फुल पर्ल वाला है, अरे मेरा एक वार्डरोब ऑलरेडी फुल है बैग से और सारे बैग्स आपको दिखा रही हूँ। अगर ये बैग आपको जीतना है तो आपको पार्टिसिपेट करना है गिव अवे में, पार्टिसिपेट गिव अवे में क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, आप लाइक करना भूल जाते हो, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और बहुत सारे सब्सक्राइब कराओ मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग को मैसेज कर दो, फॉलो कर दो, और इंस्टाग्राम को प्राइवेट मत करना क्योंकि अगर आप मुझे टैग करें तो मुझे नहीं दिखेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, मेहनत सारी बेकार जाएगी। और कमिंग वीडियो में मैं अनाउंस करूंगी गिव अवे, लास्ट गिव अवे गाइस, जितने भी मेरे हाथ में बैग है ना, कॉम्पिटिशन उसमें लोगों के, तो मज़ा आया मुझे, अच्छा लगा, इतना प्यार तो आप लोग भी दे रहे हो मुझे, सब्सक्राइब कर दो ना, 35 सब्सक्राइबर्स। ऐसे ही मेरी वीडियो को लोगों के साथ शेयर करो और इतना प्यार दिखाओ और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और पार्टिसिपेट करो गिव अवे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय, टेक केयर।